तो हम बात करने वाले हैं बेहतरीन प्लान के। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सिंगल स्टोरी प्लान है और इस प्लान को मैंने डिज़ाइन किया विद कार पार्किंग और बेहतरीन सा फ्रंट एलिवेशन। अगर आप एक छोटा सा घर बनवाना चाहते हैं ये, तो आप इस मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रंट एलिवेशन की बात करें, बेहतरीन पार्किंग की बात करें, तो बेहतरीन कार पार्किंग और पार्किंग गार्डन एरिया वगैरह सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से मैंने डिज़ाइन करके दिया है। ये मॉडल का अगर हम साइज़ की बात करें तो 24 फीट इसका फ्रंट है और 30 फीट इसकी लंबाई है। इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे, बेहतरीन सा मॉडल जहां पर आपको सारी चीज़ें बिल्कुल वेल डेकोरेटेड मिलती हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लगातार। मैं हूं पवन झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। कि दोस्तों, स्मॉल हाउस प्लान को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। दोस्तों, आप जब भी घर बनवाएँ तो आप एक बार स्मॉल हाउस प्लान को ज़रूर विजिट करें। यहाँ पर आपको अपडेटेड वीडियो मिल जाएंगे, नए नए मॉडल्स मिल जाएंगे, नए नए डिज़ाइन मिल जाएंगे और आप उन्हें देखकर एक आइडिया ले सकते हैं और अपने घर को डिज़ाइन करवा सकते हैं और बेहतरीन सा मॉडल बनवा सकते हैं। तो आज का जो प्लान है 24x30 में, उसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं इसे आपको जूम करके दिखाता हूँ, जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू देखने को मिल जाए प्रॉपर तरीके से। इसका मेन डोर, मेन जो गेट है वो आप देख पा रहे होंगे। कार यहाँ पर खड़ी है, कार पार्किंग मैंने दिया है और ये डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से ये चीज़ें मैंने क्रिएट कर रखी हैं। ये देखिए ब्लैक कलर की पट्टियाँ और ये स्क्वायर टाइप का, और ये देखिएगा चांद के आकार का, मतलब कि ये देखिएगा ये, और ये सब डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से चीज़ें हैं। और यहाँ बाउंड्री की बात करें तो यहाँ पर लगभग ये आपकी बाउंड्री वॉल दी है। यहाँ पर मैंने स्टेयर्स दिया है चढ़ने के बीच में, दोनों तरफ स्लोप है जिसमें आपकी कार पार्किंग आसानी से हो जाए। और आगे ग्रीन एरिया छोटा सा बनाया है और ये फ्रंट में डिज़ाइन मैंने दिया है। ये तो फ्रंट की बात हो गई, साइड में आपका देखिए क्लोज्ड है चारों तरफ से। इधर आपका अगर ओपन होगा तो ठीक है, नहीं तो आप इसे भी क्लोज कर सकते हैं। तो ये पूरा 24x30 फिट का फ्रंट एलिवेशन है। अब हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है और इसी ग्राउंड फ्लोर का हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने दो पिलर दिए, जिसमें गेट आपका अटैच्ड है, गेट लगा हुआ है। ये स्लोप है जहाँ से आप चढ़ेंगे, ये गार्डन एरिया है और ये डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से बाउंड्री है। अब आप जैसे अंदर यहाँ एंट्री करते गेट, सबसे पहले आपको कार पार्किंग मिल जाती है। लगभग ये 18 फीट जगह आपका है, 18 से 19 फीट जगह अंदर है और ये 6 फीट का अलग से गार्डन एरिया या पार्किंग एरिया मैंने दिया है। फ्रंट में बेडरूम है, ये आपके डिजाइनिंग के पर्पज़ से चाहिए। ये आपका विंडो दिया है, आप साइड से एंट्री मैंने दिया है। इस साइड से आप एंट्री करेंगे बेडरूम में तो आप आ जाते हैं बेडरूम में, और ये मैंने एक विंडो साइड से और दिया प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। इसके बाद इसी बेडरूम से आप अंदर भी जा सकते हैं, मैंने डोर दिया है। ये आपका मेन डोर है जहाँ से एंट्री करेंगे, तो आप एंट्री करते तो आप आ जाते हैं डाइनिंग हॉल में। और इसके बाद एक बड़ा सा किचन एरिया आपको मिल जाता है। इस किचन में मैंने फ्रंट से देखिएगा एक विंडो दिया है, इससे प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। और इस साइड आपकी स्टेयर्स हैं जहाँ से आप चढ़ना स्टार्ट करेंगे, टर्न होकर ऊपर जाएंगे, उसी के नीचे लेटन बाथ बड़ा सा क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पर एक बेडरूम, लेटन बाथ बड़ा सा किचन, डाइनिंग हॉल और आपका स्टेयर्स और कार पार्किंग और आगे पार्किंग मिल जाता है। अगर आप कार पार्किंग नहीं करते तो फ्रंट में आपका एक बेडरूम और क्रिएट हो जाएगा, लेकिन मैंने कार पार्किंग रिक्वायर्ड थी। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, वो चाह रहे थे कि मुझे वन बेडरूम के साथ एक बेहतरीन सा डिज़ाइन दिया जाए, इसमें कार पार्किंग व्यवस्था हो। अब आप इसके ऊपर देखिए आराम से दो बेडरूम बना पाएंगे, जहाँ कार पार्किंग का एरिया है यहाँ पर एक बेडरूम बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं किचन भी नीचे ऊपर हटाना तो ऊपर भी आपका एक बेडरूम और, तो थ्री बेडरूम आपके बन जाएंगे। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर की बात होगी, प्रॉपर तरीके से वेल डेकोरेट आपको मिलता है। यहाँ पर इस मॉडल को देखिए मैं जूम करके आपको और दिखाता हूँ, उससे आप और प्रॉपर इसका एलिवेशन देख सकें, प्रॉपर इसका डिज़ाइन देख सकें, डोर वगैरह सब देखिएगा। प्रॉपर मॉडल आपको देखने को मिलता है, ये 24x30 का ग्राउंड फ्लोर। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की। तो ये दोस्तों जैसा कि मैं लास्ट फ्लोर ऑलरेडी दिखा चुका था, लगभग 3.5 फीट का चारों तरफ बाउंड्री, फ्रंट में ग्रिल और उसमें डिजाइनिंग के पर्पज़ से स्क्वायर और ये पट्टियाँ वगैरह मैंने दे रखी हैं। ओवरऑल 24x30 फीट में मॉडल बनकर रेडी हो जाता विद वन बेडरूम सिंगल स्टोरी में। अगर आप डबल स्टोरी करते हैं इसको तो आपके तीन बेडरूम ऊपर क्रिएट होंगे और नीचे कार पार्किंग भी आपका बना रहेगा। तो अब अगर इस मॉडल को और एक्सटेंड किया जाए, इस डबल स्टोरी बनाया जाए, तो आपके फर्स्ट वाले फ्लोर में तीन बेडरूम आपके निकल आएंगे आसानी से। तो ये पूरा मॉडल आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक